एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जिन मरीजों को स्मेल और टेस्ट का लॉस हुआ है, यानी कि उनको स्मेल नहीं आ रही है, उनको टेस्ट नहीं आ रहा है, तो इसके कारण क्या है और आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये वास्तव में कोविड का टेस्ट कराना चाहिए या कोविड के सिम्टम्स हैं, कोविड के लक्षण हैं, या फिर हमें नॉर्मल किसी अन्य बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि कोविड की वजह से ही स्मेल का लॉस हो जाए, ठीक है। यानी कि अगर किसी मरीज को कुछ अन्य बीमारियां, जैसे कि नोज से रिलेटेड बीमारियां, यानी कि हमारी नाक से रिलेटेड बीमारियां अगर होती हैं, तो आपको इन चीजों में ध्यान रखना होगा कि किस तरह से इन बीमारियों की वजह से भी आपको नाक से संबंधित रिलेटेड कुछ सेंसरी जो ऑर्गन्स से सेंसरी जो सेंटर्स एरियाज होते हैं वो खराब हो सकते हैं। सेंसरी एरिया यानी कि जो हमारे दिमाग से, जो हमारे ब्रेन से नर्व निकली हुई है और जो स्टिमुलेशन को लाने का ले जाने का काम करती है, उनके अंदर कुछ खराबी होना, समझ रहे हैं आप, या फिर उनके अंदर कुछ जमा हो जाना। तो स्मेल और टेस्ट गायब होने के कई सारे कारण हैं, जैसे कि एलर्जी होना। किसी भी प्रकार की अगर एलर्जी किसी मरीज को है तो उसको स्मेल या टेस्ट लॉस हो सकता है। अगर नाक से संबंधित बीमारी जैसे कि साइनसाइटिस किसी को है, तब भी स्मेल का लॉस हो सकता है। अगर किसी मरीज को पॉलिप है नाक के अंदर, नोज के अंदर पॉलिप्स है, या नोज के अंदर सूजन है, या फिर उस मरीज को PND है जो कि पोस्ट नेजल ड्रिप होता है, डिस्चार्ज होता है, ऐसी सिचुएशन में भी मरीज को नाक से रिलेटेड यानी कि स्मेल उसका लॉस हो सकता है। इसके अलावा गले से संबंधित काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं, कान से रिलेटेड काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं जो हमारे इस एरिए को डिस्टर्ब करती हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी कई मरीजों को ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी मरीज के हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां चल रही हैं, यानी कि मरीज ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कुछ दवाइयां लेते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, तो उनके वजह से भी ये दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ ऐसी स्टेरॉइड्स दवाइयां लेने से भी, जो लंबे समय से आप ले रहे हैं, आपको पता नहीं कितना लेना है, या फिर आपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया है, तब भी ऐसी दिक्कत आपको आ सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल कोविड की वजह से आपका स्मेल चला जाए, ठीक है। आपको इसके साथ में एक चीज ध्यान रखनी होगी, जैसे कि स्मेल के साथ में आपको टेस्ट भी चला जाए। अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे, यानी कि इसको चेक कैसे करेंगे? जब मरीज मीठा खाता है तो उस मरीज को मीठे का स्वाद नहीं आता है, और जब मरीज खट्टा खाता है तो उसको खट्टे का थोड़ा बहुत स्वाद आता है। तो ऐसे मरीज को हो सकता है कोविड के लक्षण हो, लेकिन इसके साथ में मरीज को बुखार भी आया होगा, एक आध दो दिन पहले बुखार आया होगा, या फिर उस मरीज को थोड़ा बहुत दिन पहले फीवर या एलर्जी से रिलेटेड संबंधित कुछ परेशानी जरूर आई होगी। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो स्मेल को लॉस कर सकते हैं, स्मेल को नहीं आने देंगे, स्मेल को गायब कर सकते हैं, यानी कि आपको सुगंध नहीं आएगी किसी भी चीज की। अब सुगंध चेक करने का तरीका क्या है? सुगंध चेक करने का तरीका ये है कि आप हींग लीजिएगा। अगर आपको हींग का जो स्मेल है या जो सुगंध है वो नहीं आ रही है, तो आप देखिएगा कि हो सकता है ये आपको कोई बीमारी का लक्षण दे रहा हो, यानी कि जो बीमारियां मैंने आपको बताई, एलर्जी है, साइनसाइटिस है, पॉलिप है, PND है, ठीक है, या नाक से रिलेटेड और अन्य बीमारियां हैं, ठीक है, ऐसी बीमारियों का भी संकेत ये हो सकता है। लेकिन इसके साथ में मरीज को मीठे का स्वाद नहीं आ रहा है और खट्टे का स्वाद आ रहा है, तो एक बार सोच सकते हैं कि ये कोविड का लक्षण हो। लेकिन इसके साथ में बुखार भी मरीज को 2-4-10 दिन में आया होगा। खुश होने वाली बात ये है कि जिन मरीजों को टेस्ट और स्मेल लॉस हो रहा है, गायब हो रहा है, ऐसे मरीजों को कोविड से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको अगर इन्फेक्शन है भी तो उनको ज़्यादा सीरियस इलनेस नहीं होगे कोविड की वजह से, ठीक है। ये एक अच्छा भी संकेत है, आप खुश रहें, खुश होइए कि हमें स्मेल का लॉस हुआ है, या फिर हमें आसान तरीके से हम इस कोविड से निकल जाएंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें कि ये कितने दिनों तक वापस आएगा, तो 3-4 हफ्ते इसको लग सकते हैं, 2-4 हफ्ते के बीच में आपका ये स्मेल जो गायब हुआ है वो धीरे धीरे वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा कि कोविड के कारण और अन्य बीमारियों के कारण जिनकी वजह से आपकी जो स्मेल है, जो आपका
टेस्ट है वो गायब हो सकता है। सो आपको घबराने की, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, कोई भी ऐसा विषय नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए फायदेमंद होगा, हेल्पफुल होगा। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे और आप अवेयर रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।